Good morning students, welcome to the class 4 subject computer. Today we are learning chapter 3 windows part 2. Part 1 में हमने सिखा था window कैसे चलती है, कैसे open होती है. आज हम detail में सीखेंगे window automatically open हो जाती है. ये computer का picture यहाँ पर मैंने draw किया है. All program, menu, sub menu. इसमें जो आइकॉन दिए गए हैं टास्क बार किसे कहते हैं, डेट एंड टाइम कहां पर होता है ये हमने सीखा था. डेट एंड टाइम यहां पर राइट साइड लिखा होता है, वहीं पर ये है स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन. यहां से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को. ये है ऑल प्रोग्राम. यहाँ पर सभी प्रोग्राम मैंने ऐसे ही आइकन बनाकर लिख दिए हैं. उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम इसके अंदर में आते हैं, ऑल प्रोग्राम के अंदर में आते हैं, उसके एक लिस्ट है, उसका उसको बोलते हैं सब मेन्यू. ये है टास्क बार. यहाँ पर टास्क बार ये पूरा दिख रहा है, इसको बोलेंगे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप. और फिर यहाँ पर छोटे छोटे जो आइकन ऐसे हमें दिखते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, कोई डॉक्यूमेंट का डोर पिक्चर है तो उसे बोलेंगे आइकॉन. ये सब हमने आगे पार्ट वन में देखा. आज हम सीखेंगे स्टार्टिंग विंडोज, विंडोज को कैसे स्टार्ट करते हैं. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली. विंडो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है ये हमने देखा था. और विंडो में एक साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम पर काम कर सकते हैं ये भी हमने देखा. जैसे यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और उसकी प्रोसेस हो रही है, उसमें टाइम लगने वाला है, तो आप दूसरे प्रोग्राम पर काम कर सकते हो. तीन चार प्रोग्राम पर एक साथ यहाँ पर काम पर कर सकते हैं विंडोज में. यू विल सी द मेन स्क्रीन ऑफ विंडो, इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. यहाँ पर विंडो में जो भी दिखेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसे बोलेंगे डेस्कटॉप. द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू कैन सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स. ये सभी दिख रहे हैं छोटे छोटे, उसको हम बोलेंगे आइकॉन्स. एक है तो आइकॉन, एक से ज्यादा है तो आइकॉन्स. ईच आइकॉन रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम इन विंडो. ईच एक एक आइकॉन है वो विंडो को रिप्रेजेंट करता है. हाउएवर डिपेंडिंग ऑन हाउ योर कंप्यूटर इज सेट अप द आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शोन हियर. यहाँ पर मैंने आपकी समझ के लिए ऐसे ड्रॉ कर दिया है, पर आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर जब वर्क करेंगे तो आपको पता चला सिस्टम अलग अलग हो सकती है. कंप्यूटर अलग अलग, कंप्यूटर की अलग अलग सेटिंग होते हैं. डेस्कटॉप सीपीयू सब भले ही सेम हो, पर उसमें काम करने की जो मेथड है वो अलग अलग हो सकती है. शायद कभी ने पासवर्ड रखा हो तो भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, विंडो खुलती है, ये अलग अलग हो सकता है. When you move the mouse over the mouse pad, you will see a small arrow moving on the desktop. आप जब माउस को माउस पैड पर ऐसे ऐसे रन करते हैं तो आप डेस्कटॉप पर एक एरो देखते हैं, ये एरो देखते हैं ना. It indicates a position of the mouse on the desktop. आप ये एरो जहीं पर दिखता है, जैसे यहाँ पर दिखेगा तो माउस की पोजीशन यहाँ पर है, डेस्कटॉप पर माउस की पोजीशन क्या है ये वो एरो दिखाता है. And so this app is also known as mouse pointer. इसको क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर. और पॉइंटर माउस पॉइंटर भी बोल सकते हैं और पॉइंटर भी बोल सकते हैं. As you move the mouse over the mouse pad, the mouse pointer on the desktop also moves. जैसे आप माउस को ऐसे ऐसे
अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट जैसे करेंगे उसी तरह ये एरो मूव करेगा, इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। द माउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, माउस इज अ इनपुट डिवाइस फॉर ए ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज। विंडोज को ऑपरेट करने के लिए माउस बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट रोल है माउस का। When you press a mouse button, you can hear a click। जैसे कि आप माउस हमारी हथेली पर आ जाए ऐसा है, ये हमने आगे के चैप्टर 2 में देखा है कि माउस की जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है, उस पर ठीक बटन साइज होते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक एंड व्हील स्क्रॉल वे आया होता है। मोस्टली हम लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं, जैसे हम लेफ्ट क्लिक पर ये क्लिक करेंगे तो हमें आवाज आएगी क्लिक। And therefore, before we go any further, let's get acquainted with some terms which describe the action of the mouse. Mouse कैसे work करता है ये हम सीखते हैं। जैसे click, click की definition क्या है? तो वो है to press and release a mouse button. Mouse button left or right, दोनों side जैसे ऐसे press करेंगे तो आवाज आएगी click, वो है click. हमें press करना है और रिलीज करना है बटन को, वो है क्लिक। तो आप क्लिक का डेफिनेशन लिख लीजिए, माउस बटन को हमें प्रेस करना है लेफ्ट क्लिक। टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, यूजुअली द टर्म क्लिक मींस लेफ्ट क्लिक बिकॉज द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बटन। मोस्टली यूज लेफ्ट बटन का ही होता है, हम लेफ्ट प्रेस करेंगे लेफ्ट बटन का यूज होता है, राइट बटन का यूज बहुत कम होता है। राइट क्लिक, टू क्लिक द राइट माउस बटन, ड्रैग टू होल्ड डाउन अ माउस बटन, माउस बटन को होल्ड करना है ऐसे, मूव द माउस एंड देन रिलीज द माउस बटन, माउस को मूव करो फिर उसको रिलीज करो प्रेस करो, वो हो गया ड्रैग। टू ओपन अ प्रोग्राम फ्रॉम द डेस्कटॉप, मूव द माउस पॉइंटर ओवर that icon and then double click. Remember, some computer might have a desktop style that use the single click option. ये हमें कोई भी प्रोग्राम अगर सिलेक्ट करना है तो हम माउस ये कर्सर को एरोस को वो आइकन पर रखेंगे, पहले उस आइकन पर रखेंगे फिर प्रेस करेंगे दो बार ऐसे टू टाइम्स क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। पर कहीं पर ऐसा कोई कंप्यूटर में ऐसा सेटिंग किया होता है कि वो एक बार आप क्लिक करेंगे तो भी वो आइकन खुल जाएगा। द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। बॉटम जो नीचे दिया गया है ये है वो है टास्क बार। इट शो द करंट स्टेटस ऑफ प्रोग्राम्स यू आर वर्किंग इन। यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर जितने भी प्रोग्राम ओपन करेंगे वो आपको टास्क बार पर दिखेंगे। जैसे कि आपने यह स्टार्ट बटन की यहाँ पर आप बंद कर रहे हैं गूगल क्रोम में, फिर बंद कर रहे हैं जीमेल पर देखा आपने, फिर आपने नोटपैड खोला, फिर आपने वर्डपैड में फिर पेंट कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोग्राम आपने डेस्कटॉप पर ओपन किए हैं वो सभी यहाँ पर आपको कहाँ दिखेंगे, टास्क बार पर वो सभी प्रोग्राम आपको दिखेंगे। Whenever you open a program, folder, file, window, so its icon button on the taskbar. जैसे यहाँ पर आपने नोटपैड यहाँ से खोला, यहाँ पर डेस्कटॉप पर
5 या 10 मिनट चले गए, फिर आप आइए तो नोटबुक तो यहाँ डेस्कटॉप पर बंद हो गया, यहाँ आकर फिर आप टास्क बार पर देखेंगे नोटपैड का जो सिंबल है, आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वो खुल जाएगा। इन द एबो पिक्चर टू प्रोग्राम्स आर ओपन वर्ड एंड विंडोज मीडिया प्लेयर एंड ईच हैज इट्स ओन बटन ऑन द टास्क बार। पेज नंबर 40 आप देख सकते हैं, ये टू प्रोग्राम ओपन है यहाँ पर। ये वर्ड का सिंबल है, वर्ड का पिक्चर है, ये विंडो मीडिया प्लेयर, दो प्रोग्राम एक साथ ओपन है जो कि टास्क बार पर आपको एक साथ में दिख रहे हैं। इफ यू प्रेस द माउस पॉइंटर ओवर ए प्रोग्राम बटन ऑन टास्क बार यू कैन सी अ टाइनी प्रोग्राम विंडो। यहाँ पर आप टाइनी प्रोग्राम विंडो जैसी टास्क बार पर देख सकते हैं, एक साथ जितने भी प्रोग्राम ओपन है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, जिसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार कहाँ पर होता है, वो नीचे बॉटम में होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्रेस द माउस पॉइंटर ओवर वर्ड आइकन बटन ऑन द टास्क बार यू कैन सी टू स्मॉल विंडोज, दिस मीन The two word program windows are open. Picture page number 15 पर आप देख सकते हैं, ये word पे आप देख सकते हैं mouse pointer पर यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आपको दिखेगा कि word icon button task bar में आपने देखा कि दो विंडो ओपन की हुई है, इसका मतलब है दो प्रोग्राम स्टार्ट है, एक साथ कंप्यूटर में दो प्रोग्राम वर्क कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। To enlarge the windows, just click anywhere in the small windows. यहाँ पर आपको बड़ी दिख रही है कि ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो ओनली सिंबल है कि ये वर्ड पेंट है। Start menu, start button. On the taskbar, click start button. You will see the start menu. Start button पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये स्टार्ट मेन्यू, जिस पर कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम सेव किए गए हैं, जो भी फाइल डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, वो ऑल प्रोग्राम में स्टार्ट बटन क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में आपको दिखेगी। मेन्यू किसे कहते हैं? A menu is a list of tools or commands that helps you to work in Windows program. Menu की definition लिख लीजिए। A menu is a list of tools or commands that help you to work in Windows program. Menu वो है जो कि जितने भी programs, tools, commands है वो आपको दिखाएगी डेस्कटॉप पर और आपको वर्क करने में, विंडो में वर्क करने में आसानी रहेगी। Some items on the start menu have a small right facing arrow. If you place the mouse pointer over such item, that item will be highlighted and you will see another menu to the right. ये है main menu. All program जो दिख रहा है वो है main menu.
सब मेन्यू, यहाँ पर लिखा है ना सब मेन्यू, ये है मेन मेन्यू, ऑल प्रोग्राम वाला है वो है मेन मेन्यू, और उसके अंडर में जो प्रोग्राम सेव किए गए होते हैं वो है सब मेन्यू। फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्टार्ट मेन्यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स यू विल सी अ सब मेन्यू। मेन मेन्यू है वो लेफ्ट साइड में आया है, सब मेन्यू वो राइट में दिखेगा आपको। यहाँ पर पिक्चर पेज नंबर 16 पर भी आप देख सकते हैं, ये है ऑल प्रोग्राम्स, ये है सब मेन्यू, ये मेन मेन्यू, ये सब मेन्यू, लेफ्ट साइड में है वो मेन मेन्यू, राइट साइड में है वो सब मेन्यू। द ऑल प्रोग्राम्स सब मेन्यू डिस्प्ले मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड फोल्डर इन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर है वो दिखाता है ऑल प्रोग्राम्स और सब मेन्यू। विंडोज कंटेन मेनी प्रोग्राम्स दैट यू कैन यूज इन योर डे टू डे टास्क, रोज बरोज डेली यूज के जो टास्क है वो विंडो कंटेंट करता है। क्या क्या है तो आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड एंड पेंट आर एग्जांपल ऑफ सच प्रोग्राम्स इन विंडोज। विंडोज में जैसे कि कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ड्रो, ये सभी चीजें हैं वो प्रोग्राम विंडो में कर सकते हैं। तो ये था स्टार्टिंग विंडो, अब है शटिंग डाउन विंडोज, हमारा काम कंप्लीट हो गया कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर हम ऐसे ही रखेंगे के बंद कर देंगे, जो कि हम बंद कर देंगे जिसको हम बोलेंगे शटिंग डाउन, हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं। बोलते हैं ना जिसके घर पे कंप्यूटर है, आप देखते हैं कंप्यूटर में जितना भी काम है कर लिया, फिर मम्मा या पापा आपको बोलेंगे आपका काम खत्म हो गया, तो कंप्यूटर शट डाउन कर दो, मीन्स बंद कर दो। तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार पे आया हुआ स्टार्ट बटन क्लिक कीजिए, यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पर दिखेगा स्टार्ट मेन्यू। ऑन द स्टार्ट मेन्यू क्लिक ऑन शट डाउन, क्लिक ऑन शट डाउन, यहाँ पर आपको शट डाउन ऐसा लिखा दिखेगा, स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको स्टार्ट मेन्यू में दिखेगा शट डाउन, जो आप क्लिक कर देंगे तो वो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा और बंद हो गया। ये विंडोज में होता है, यहाँ पर पेज नंबर 17 पर देख सकते हैं आप ऑल प्रोग्राम्स और शट डाउन करना है तो आपको शट डाउन पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो ये है हमारा चैप्टर कि विंडोज कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी कमांड होती है, टूल्स कितने आए होते हैं, डेस्कटॉप पर क्या क्या होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखे, जो कि आपको पढ़ना भी है और याद भी रखना है। ये सब मैंने ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे लगता है आप सब समझ गए हैं और कंप्यूटर का यूज करना और फिर आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने डेफिनेशन दिखाई है वो आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में लिख लीजिएगा और पढ़िएगा और याद रखिएगा। थैंक यू।